जिस प्रकार हर माह में दो एकादशी पड़ती हैं, उसी प्रकार हर माह में दो प्रदोष होते हैं। आइए आज चर्चा करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। स्कंद पुराण में हिंदू धार्मिक तथ्यों के अनुसार प्रदोष व्रत का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करना उत्तम होता है। प्रदोष व्रत शिव जी को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्र चित्त से शिव पूजा की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन प्रदोष व्रत आता है, उसके आधार पर इस व्रत का नाम और महत्व बदलते रहते हैं। अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इसे करने से आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। इस व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इसे करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से रोग मुक्ति के साथ जीवन में खुशहाली भी आती है। अगर बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सभी शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य वृद्धि का प्रतीक होता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती। इससे दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। अगर शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी आपको प्रदोष व्रत करना हो, तो उस दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि का चुनाव करना उत्तम होता है। उसी दिन के अनुसार कथा पढ़नी और सुनी जाती है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सूर्यास्त के बाद रात होने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करने का नियम है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे पूरा दिन व्रत रखना होता है। सुबह नहाने के पश्चात बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप के साथ पूरे हृदय से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। संध्या काल के समय दोबारा नहाकर इसी विधि से शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इस तरह से प्रदोष करने वाले मनुष्य को पुण्य मिलता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस वर्ष का पहला और आखिरी भौम प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 को पड़ रहा है। कहते हैं कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से बजरंग बलि का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हनुमान शिव के ही रुद्रावतार हैं। इस बार भौम प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सिद्ध योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक है। इस शुभ योग में पूजन कर आप भी अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूरित करें। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।